से बचाएं, इसके अलावा ये कि कौन सी मेडिकेशन करें, वैक्सीनेशन कब कब और कैसे करनी है, इसके अलावा ये कि फीड का स्केड्यूल किस तरीके से करना है, पानी में क्या मिलाना है, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो तो हो सकता है कि थोड़ी लंबी बन जाए, लेकिन ये कि इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप और वो बोल रहे हैं कि भाई इतने दूसरे के से काम स्टार्ट करो, और आप लोग समझदार हो खुद, आप लोग खुद बताना कि वो कौन है बंदा। और इसके अलावा ये कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, उस बंदे ने होशियारी का की, पहले हमसे मिला, वो हमारी वीडियोस देखता था, हमसे मिला, वलीद से तो खैर नहीं मिला, मुझसे मिला। और इसके अलावा ये कि दो बंदे हैं, दोनों बंदों से मैं मिला हूं, अच्छे से मिला हूं। और हुआ ये कि उसके बाद जो है ना, उन्होंने एक फार्म भी किया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उन्होंने कुछ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाईजान काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही, और आप लोग बोल रहे होंगे भाई वीडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही। भाई ये आज की वीडियो में ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, क्योंकि आज जो है ना बेसिकली जो फ्रॉड हो रहा है, जो स्कैम हो रहा है ना, उसको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे रिवील कर दें, क्योंकि यार बहुत हो गया मार्केट के अंदर ना, यकीन करें हद से ज़्यादा जो है ना स्कैम हो जा रहा है। और लिटरली हमारी ही क्लोज थे वो, और जो स्कैम करने वाले हैं वो क्लोज हैं बहुत, तो अब क्या कर सकते हैं, बहरहाल कुछ भी नहीं कर सकते, तो इंशाल्लाह अब रिवील कर देंगे। भाई बहुत टाइम हो गया, और बाकी ग्रोथ वगैरह भी दिखानी थी, चूज़े की प्रोग्रेस वगैरह दिखानी थी, और कुछ बातें आपसे करनी थी, क्योंकि मौसम जो है ना बहुत चेंज हो गया, इसमें कौन सी वैक्सीन करनी चाहिए, राइस को कैसे गीला होने से बचाएं, इसके अलावा ये कि कौन सी मेडिकेशन करें, वैक्सीनेशन कब कब और कैसे करनी है, इसके अलावा ये कि फीड का स्केड्यूल किस तरीके से करना है, पानी में क्या मिलाना है, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो तो हो सकता है कि थोड़ी लंबी बन जाए, लेकिन ये कि इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और बाकी दूसरी बात ये कि भाई 2000 होने वाले हैं, तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप लोग करवा दें भाई। और वीडियो को जिसने अगर लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दे, और जिसने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो फेसबुक से देख रहा है उससे जिसने चैनल को फॉलो नहीं किया वो लाजमी फॉलो कर दे। तो चलो फिर इंशाल्लाह वीडियो स्टार्ट करते हैं। और तो फिर बात सारी है कि भाई स्कैम हो रहा था, लेकिन भाई ये बंदा नहीं है स्कैमर, स्कैमर नहीं है। और बाकी यार ये देखें, मैंने ना इधर ना वो लगा दी, प्लास्टिक लगा दी, उसकी वजह ये कि अच्छी खासी हमारे एरिया में तो हवा अच्छी खासी चलती है। लिटरली मैं जब KU जाता हूँ ना, मुझे लगता है कि हवा का प्रेशर जो है ना, आप ये समझें कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है ना 3 से 4 डिग्री ऊपर है। यानी कि अगर मैं मिसाल दूं कि वहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे तकरीबन जो है ना 27 हो रहा होता है आराम से, मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो रात पे अच्छी खासी ठंड हो जाती है, अभी भी आप यकीन करें। साथ भाई आप ज़रा ये बताएं कि मौसम में ठंडक महसूस हो रही है नहीं हो रही? मौसम में ठंडक भी महसूस हो रही है, ऊपर से ये मौसम ना अभी लाइव स्टॉक के लिए, यानी कि हमारे ब्रायलर हो गए या फिर डव वगैरह हो गई, उसके लिए शदीद कसम का खतरनाक मौसम है। बिल्कुल, क्योंकि इस मौसम के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है ह्यूमिडिटी, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से। तभी तो आपने देखा है जैसे पीछे शेड के ऊपर जो प्लास्टिक वगैरह लगाया, इस वजह से लगाया, क्योंकि आपके पास सबसे मेन चीज होता है आपके जो बर्ड्स के एग होते हैं उसमें अनफर्टिलिटी आती है, डेड एंड शेल होता है। और दूसरा ब्रायलर के लिए तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये मौसम ऐसा है कि अगर आपने फीड का शेड्यूल सही नहीं रखा हुआ होगा, या फिर दूसरा वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं होगी, तो आपका जो माल है वो खराब होगा ही होगा। ऐसी है, बाकी अल्लाह पाक से उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरी आई। देखें इधर से भी मैंने पैक किया हुआ है, उसी वजह की हवा अच्छी खासी चल रही है, वेंटिलेशन के लिए कुछ जगहें छोड़ी हुई है। बाकी भाई माशाल्लाह जरूर बोलिएगा, जगह बड़ी हो चुकी है। और सीन सारा ये है कि भाई अभी जो है ना साथ भाई से चप्पल थोड़ी सी चेंज करवाते हैं। भाई साथ भाई अंदर आने, तो भाई ये वाली चप्पल आप पहने, ओके, हमने ऊपर के लिए अलग चप्पल रखी हुई है, तो ये सारी चीज़ें आपको बता जरूरी होती है। बिल्कुल भाई माशाल्लाह जरूर बोलिएगा। अब आपके सामने है चूज़ा, ओवरऑल प्रोग्रेस कैसी लगी? काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं, साइजिंग में क्या फ़र्क आया क्या नहीं आया, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको बतानी है, ठीक है जी। अभी एक काम करते हैं ना, वहाँ से मैं लाइट खोलता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना वो दिखाते हैं। जब तक साथ भाई थोड़ा सा चूज़े का जो है ना दीदार करवाएं, और उसके बाद इंशाल्लाह लाइट ऑन करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं। जब तक आप ज़रा चूज़े को 360 पे घुमा के दिखाएं कि भाई क्या उसमें आपका किस तरीके से रहा है जो मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हलानी का टूर तो बहुत अच्छा रहा था, बाकी परचेजिंग वगैरह भी हुई थी। और इसके अलावा ये कि ये जो परचेजिंग वाला काम होता है ना, काफ़ी लोग समझ रहे होते हैं कि ये बहुत आसान काम है, बस जाना है और ख़रीदारी करनी है। भाई ऐसा नहीं होता, परचेजिंग में इतना मसला नहीं होता, लेकिन मेन चीज़ यही होती है कि आप थक बहुत जाते हो सफ़र के अंदर। और उसके अलावा दूसरा ये कि फैज़ भाई की तो हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। और दूसरी चीज़ ये कि अभी आप चूज़ा देख सकते हैं, खैर वारा इस हलानी वाले टूर के ऊपर तो अलग से एक व्लॉग पूरा बनाया हुआ है हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द शेयर करेंगे। और उसके अलावा बाकी आप लोगों को चूज़े की अपडेट दे रहे थे, और बाकी आप राय तक देखें आज या कल में ही चेंज किए,
और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि फर्स्ट ऑफ अभी ये बताएं चूजा कितने दिन का हो गया, और दूसरी ये कि फीड का शेड्यूल शेयर करते हैं फौरन से आप। भाई राइस एक्स सबसे पहले ये बताऊँ, राइस एक्स अभी चेंज किया है। इसके अलावा ये क्या है, बहुत से लोग बोल रहे होंगे हमारा राइस एक्स जम नहीं रहा, नमी आ रही है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई, मेरे पास भी ये फेस हो रही है प्रॉब्लम। उसकी वजह क्या है भाई, ह्यूमिडिटी नॉर्मल जो टेम्परेचर चल रहा है ना हमारे पास वो चल रहा है 80-85 जो है ना ह्यूमिडिटी नॉर्मल हमारे पास एनवायरनमेंट में चल रही है, जो हमारे मौसम में आ रही है ना ह्यूमिडिटी वो आ रही है 80-85। अब उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है भाई, तो देखिए एग्जॉस्ट फैन आप लगाएं वेंटिलेशन के लिए, सही है। अगर आप शेड पैक कर रहे हैं तो एग्जॉस्ट फैन लाजमी लगाएं ताकि आपको बेड पेंटिंग नहीं करें। और उसके अलावा एक क्लोज नहीं बैठे, खुला बैठे तो आप ये समझें कि आपका बर्ड बिल्कुल एक्टिव है। इसके अलावा ये कि भाई राइस एक्स अगर आपका गीला हो रहा है, सही है, अगर इस तरीके से आपका नम हो रहा है, अभी देखे ना ये वाला जो है ना मैंने जानबूझ के छोड़ा ताकि आपको वीडियो में बताऊँ, ये देखें नम हो रहा है, जमा नहीं है नम हो रहा है। अब इसको किस तरीके से करना है, तो देखें जो आपका सही वाला राइस एक्स है ना वो आपने डालना है अपने शेड के बाहर। अब उसको खुला आप छोड़ दें, एक दिन के बाद ये सूख जाएगा, दोबारा आप इसको रख दें, ये बाद में आपका काम आ जाएगा, मतलब यूज़ में आ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, केकिंग बन गई, तो फिर यूज़ नहीं करें। लेकिन अगर हाँ एक दिन का है सीन कि एक दिन में अगर आपको लगता है कि आपका नम हो गया, तो फिर आप उठा के इस तरीके से चेंज कर सकते हो ये छोटे स्केल वालों के लिए, क्योंकि अभी कंट्रोल शेड वाले भी इसी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हद से ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है। कंट्रोल शेड में भी आपको पता है पैड्स लगे हुए होते हैं तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और नॉर्मल टेम्परेचर में इतनी ह्यूमिडिटी चल रही है तो जिसके बाहर जो है ना हमारे पास मुश्किल हो रही है। एग्जॉस्ट फैन वो लगा हुआ है, विंडो खुली हुई है, वहाँ से विंडो इसलिए बंद की है मेरे भाई कि हवा का प्रेशर अच्छा खासा है। बाकी भाई हलानी दोबारा से भाई जा रहे हैं, मैं इसलिए नहीं जा रहा यार कि मेरा जो है ना आप ये समझे कि वेस्की भी ओपन हो गई और उसके बाद जो है ना मेरी थोड़ी सी तबीयत भी सही नहीं चल रही। तो ये कि भाई साथ भाई जो हम लाए थे वो तो वीडियो स्किप हो गई है, वो इंशाल्लाह डाल देंगे एंड में, हो सकता है डल जाए कुछ दिनों में। ये बताएं कि ओवरऑल जो है माशाल्लाह से जानवर पलाई पे कितने आ गए अब तक गाय? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दो जानवर तो खड़े हैं इस वक्त ना पलाई पे, और कुछ जानवर इंशाल्लाह अभी परचेजिंग के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जानवर हमारे पास डिमांड बहुत आ रही है, काफ़ी फार्मर्स तक हमसे ना जानवर मांग रहे हैं, लेकिन वही है कि माल शॉर्ट है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास माल आता है, फैज भाई आपको भी पता है सब कुछ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूट्यूब के अलावा भी इतने कॉन्टैक्ट्स हो गए हैं कि जानवर रुकता नहीं है, आए हमारे पास जानवर उतरेगा आज उतरेगा, लोग मांगना शुरू कर देते हैं। वैसे तो डायरेक्ट ही बुक हो जाते हैं, लेकिन ये कि कुछ जानवर जो बच जाते हैं वो फिर आने के बाद एक दो दिन चार दिन पाँच दिन या मैक्सिमम महीना तक रुकते हैं, उसके अलावा नहीं रुकते। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि पलाई की अपडेट यही है कि फैज भाई पलाई के पैकेजेस थोड़े से बढ़ा दिए हैं, और बाकी ये कि उनके अंदर कुछ नई चीज़ें भी ऐड की हैं वो हो गई। और उसके अलावा ये है कि बड़े जानवर का शेड भी बनना स्टार्ट हो गया, तो इंशाल्लाह उसकी भी अपडेट बहुत जल्द आएगी। और बाकी यार ये स्कैम क्या हो रहा है अभी जरा बताओ तो देना। यार स्कैम के बारे में मैं आ ही रहा था, आपने बड़ा अच्छी चीज़ बोली। यार स्कैम जो है ना बेसिकली वो ये है कि यार हमारे नाम से लोगों को बोला जा रहा है कि भाई ये जो है ना चूज़ा महंगा दे रहे हैं, इनका चूज़ा सही नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो है ना मतलब आप ये समझें कि खुद फार्मिंग नहीं कर पाते, ये वो बनाना धमकाना मेरा नहीं, क्या क्या बातें करते हैं मेरे भाई। मैं खुद फार्मिंग कर रहा हूँ, मेरे घर पर आप आओ देखो, खुद लेबर बनाओ। दूसरी बात ये कि भाई हम चूज़ा जो है ना हमने इसलिए सेल करना स्टार्ट किया था कि देखें जो चीज़ हम ले रहे हैं ना तो हमारे पास पीक पे डिमांड थी कि भाई हमें चूज़ा दें हमें चूज़ा दें हमें चूज़ा दें, तो हमने स्पेशली कोई दूसरी हैचरी से कांटेक्ट नहीं किया, हमने अपने ही सर से किया, क्योंकि हमारे सर जो है हैचरी में उनका ताल्लुकात है किस हैचरी से वो मुझे मैं नहीं बताऊँगा। तो एक सेकेंड तो उसमें हुआ ये कि मैंने जो है ना ये तमाम चीज़ें हम लोग ने सोची, मैंने और वरीद ने कि यार हम देते हैं इस तरीके से ही हो सकता है। अब हुआ क्या है कि उन्होंने बनाया व्हाट्सएप ग्रुप और वो बोल रहे हैं कि भाई इतने चूज़ों के से काम स्टार्ट करो, और आप लोग समझदार हो खुद, आप लोग खुद बताना कि वो कौन है बंदा। और इसके अलावा ये कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, उस बंदे ने होशियारी का की, पहले हमसे मिला, वो हमारी वीडियोस देखता था हमसे मिला, वलीद से तो खैर नहीं मिला, मुझसे मिला। और इसके अलावा ये कि दो बंदे हैं, दोनों बंदों से मैं मिला हूं, अच्छे से मिला हूं। और हुआ ये कि उसके बाद जो है ना उन्होंने एक फार्म भी किया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उन्होंने कोई फार्म किया था, उस पर काम कर रहे थे या अपना किया था मुझे नहीं समझ में आ रहा। एक ही दफ़ा उन्होंने ज़िंदगी में पाला, उसके बाद इतना उनका नुकसान हुआ कि उन्होंने वो काम बंद कर दिया। अब वो घर पे पालते हैं 10-15 चूज़े 20 चूज़े मैक्सिमम, और उसके बाद जो है ना लोगों को बोलते हैं कि भाई हमसे सीखें आप, फ्री में हम सिखाएंगे ये वो फलाना ढमकाना। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा कि अगर एक आप ये समझे कि एक टीचर है ना, तो वो भी अपने पढ़ाने के स्किल्स के जो है ना वो पैसे चार्ज कर रहा है। कोई भी काम जो है ना फ्री में नहीं होता मेरे भाइयों। तो आप लोग जो बोलते हो ना कि कंसल्टेशन के आप लोग चार्जेस करते हो ये वो, देखें
अगर आप प्रोफेशनल फार्मिंग सीखना चाहते हो ना, तो आप मेरे नज़दीक 500 या 2000 2500 कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होता ना, यकीन करें, मुझे कोई बंदा बोलता ना कि यार ये फार्मिंग इस तरीके से, अगर मैं इस फील्ड में होता तो मैं यकीन करें 4000 भी पे कर देता, मुझे पता है कि 4000 कुछ भी नहीं है। तो उसके बावजूद हमने ये निकाला कि यार 2500 का कोर्स था, लेकिन मैंने बात करी यार मेरे नए वो हैं व्यूवर्स ये वो फलाना, पर उसके बावजूद भी हम 2000 रुपये का दे रहे हैं, और वो भी एक है कोर्स अपडेट हो जा रहा है, हर चीज़ें अपडेट हो जा रही हैं, आपको कंसल्टेशन मिलनी है। एक आप ये समझें कि हम एक एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन ये कि समझें कि एक छोटे से लेवल पे तो एक्सपर्ट समझा जाता है ना, कि भाई घर के पैमाने पे तो समझें कि घर के पैमाने पे एटलीस्ट हम एक एक्सपर्ट नहीं तो कम से कम बिगनर से थोड़ा ऊपर ही है। तो बाकी यही है कि भाई माशाल्लाह से ओवरऑल प्रोग्रेस आपके सामने, और कमेंट करके लाजमी बताइएगा भाई ये कौन है, और नाम नहीं लिखे हैं, और हम नहीं चाहते भाई कि भाई लड़ाई हो, सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं आप लोग को कि अगर वो लोग इस तरीके से कर रहे हैं, अगर आपका दिल चाहता है आप उनसे डील करें, एक दफ़ा चूज़ा पा लें, उनके साथ देखें, आपको खुद पता चल जाएगा। वरना एटलीस्ट ये कि भाई खुदा के वास्ते किसी के बातों में आने से पहले पहले आप सर्वे खुद किया करो। हम हमेशा से ये बोलते हैं कि भाई हम आपको ये नहीं बोलते कि भाई हमसे ही डायरेक्ट लो ये वो फलाना वगैरह, हम तो बोलते हैं भाई आपको जो जहाँ से पसंद आ रहा है वहाँ से ले लो, कोई मसला नहीं है, हमें कोई इतना ही त्रास नहीं है। बाकी सर भाई आप कुछ कहना चाहोगे तो बताएं। मैं ये कह रहा था कि ये जो हैचरी से और दूसरे आप लोकल चूज़ा लोगे ना, तो वो बंदा आपको कभी भी इस चीज़ की गारंटी नहीं देगा कि यार ये चूज़ा ए ग्रेड है या नहीं है। भाई हम तो सीधी सीधी बात है गारंटी देके कहते हैं कि भाई हमारे पास चूज़ा जो है वो ए ग्रेड का चूज़ा है। बी ग्रेड का चूज़ा हुआ, हल्का सा भी आप लोग को शक हो बी ग्रेड का चूज़ा है वापस। भाई सीधी सी बात है, मेरे पास ना मैसेज आते हैं एक चूज़ा छोटा रह गया, एक बड़ा रह गया, ये वो फलाना। मेरे भाई मेरा भी व्लॉग वही होता है जो आप लोग को दे रहा होता हूँ, मैं भी वही पैसे दे रहा होता हूँ जो आप लोग को दे रहा होता हूँ। मेरी ना हैचरी है ना कुछ है, सीधी सी बात है, आपको भी पता है हम लेके दे रहे होते हैं, बात सारी है। सिर्फ क्यों कर रहे हैं, ताकि आप लोग का फ़ायदा हो, बस बात सारी है कि भाई आप ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे उनके चक्कर में। ओवरऑल अपने प्रोग्रेस ये दिखानी थी कि भाई मैंने आपको बताया इस तरीके से। बाकी ये कि जिसका 10-12 दिन का चूज़ा हुआ है उसको वैक्सीन के लिए लाजमी, भाई मैं अब आपको बता देता हूँ वैक्सीन का स्केड्यूल क्या करना है जल्दी जल्दी, फिर वीडियो को एंड करेंगे, वीडियो भी लंबी हो गई है। ठीक है, तीसरे दिन पे NDIB कर दें, तीसरे चौथे दिन पे या मैक्सिमम हफ्ते पे कर दें NDIB, पांचवे छठे दिन पे NDIB कर दें। इसके अलावा ये कि आप लोग ने क्या करना है, 12वें 13वें दिन पे गंभोरो करना है, क्योंकि गंभोरो का अभी अटैक हुआ है, बहुत शदीद आ रहा है, तो इसलिए गंभोरो करना है। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने एटलीस्ट 500-600 बल्ड रखे हुए, तो वो लाजमी करें। और 22वें 23वें दिन जो है वो लसोटा रिपीट कर दें। इंशाल्लाह आपका व्लॉग अच्छे से पलेगा, वरना इस वक्त जो है ना अच्छा खासा प्रेशर है। मैंने कितनी वैक्सीन करी, मैंने सिर्फ अभी तक एक ही वैक्सीन करी है, मैंने गंभोरो नहीं करी। मेरा चूज़ा हो गया 19 दिन का, माशाल्लाह से आपके सामने है इसकी बीटे वगैरह। तो भाई यही है कि बात सारी है कि मैंने गंभोरो इसलिए नहीं करी कि मैं अगर एक दफ़ा यहाँ पे करूँगा ना, तो मुझे बार बार हर मंथ या हर ब्लॉक पे इधर वैक्सीन करनी पड़ेगी गंभोरो की, क्योंकि एक दफ़ा गंभोरो वैक्सीन करी तो वो चीज़ इधर इंट्रोड्यूस हो गई, जैसे मैंने एनडी करी तो एनडी इधर इंट्रोड्यूस हो गई। तो बात सारी है कि भाई इस तरीके से आपने लेके चलना होता है फार्मिंग को। मैंने हमेशा से बताया फार्मिंग अब पहले जैसे नहीं रही कि पानी रखा दाना रखा बात खत्म। दाने का ये है कि भाई फीड का ये है कि अब आप जो है ना 2 टाइम 3 टाइम जितना आपको चलाना है, मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, मैं भी अब शुरू करूँगा। फजर के टाइम मैं क्या करता हूँ कि तकरीबन जो है 7-7:30 बजे इनको फीड डालता हूँ, 9 बजे 9:30 बजे इनके पास से उठा लेता हूँ, शाम में 5 बजे के बाद डालता हूँ, 7 बजे उठा लेता हूँ। बाकी अब जो टाइम है ना, अब इस टाइम में जो है ना 9-10 बजे मैं दोबारा से इनको फीड डालना स्टार्ट करूँगा, और वो 12 बजे 1 बजे तक मैं चलाऊँगा। तो ये वाली बात थी भाई सारी, माशाल्लाह से बर्ड आपके सामने बैठा हुआ है, खुला है, और इसके अलावा घूम फिर रहा है, तो ये वाली बात थी। बाकी उम्मीद है आपको वाली वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को बस यहीं तक एंड करते हैं। मेडिकेशन में क्या है भाई, मेडिकेशन में ट्राइफिल ऑगमेंटन लाइजोविट लाजमी यूज़ करें, और जो बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं भाई, मैं आप गेन बता देता हूँ, मैं परमासोल विटामिन यूज़ कर रहा हूँ। तो बस यही है कि वीडियो को बस एंड करेंगे और कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और भाई कमेंट का सेक्शन आप लोग रोकिएगा नहीं, कमेंट लाजमी करिएगा। उसके अलावा ये कि आप लोग ने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह 2000 पे हो सकता है कि कुछ नया आ जाए, जैसे मैंने हमेशा से बोला है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है ना कमेंट कर दिएगा, इंशाल्लाह उस टॉपिक पे आपका भाई हाजिर है, अगर बीमारी पे बोलेंगे बीमारी पे बनाएंगे। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और साथ भाई एंड में कुछ कहना चाहेंगे? एंड में यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा ख्याल रखें फ्लॉग का, जिन जिन भाइयों ने फ्लॉग डाला हुआ है जरा थोड़ा सा टाइम, खास तौर पे भाई सफाई करें, लीटर के मैनेजमेंट अच्छी करें, मैनेजमेंट अच्छी हो, बाकी फीड का शेड्यूल अच्छा होना चाहिए, वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम नहीं होगी, अभी सीजन ऐसा है बीमारियों का सीजन है, सूरज निकल नहीं रहा, जरासीम वगैरह का आपको पता है वैसे ही खतरा बहुत होता है, और ये चीज़ तो
बैक्टीरियल इन्फेक्शन का बहुत बड़ा ख़तरनाक ये वो होता है, तो ज़रा एहतियात करें। और बाकी गुड लक फॉर योर फिलहाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।